दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सर्दी आ रहे हैं और सर्दियों में अगर आप अपने गार्डन को फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा वीडियो, क्योंकि आज मैं इसमें कुछ बताने वाली हूँ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो अक्टूबर के महीने में लगाए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं। कैला लिलीज को ट्रम्पेट लिलीज भी कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है वेडिंग बुकेज के लिए और एक बहुत ही एक्सलेंट हाउस प्लांट है। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, जैसे कि येलो, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, और इसके अलावा कॉमन तो वाइट बहुत ज़्यादा है। मोस्टली लोग वाइट ही प्रेफर करते हैं। फ्रीसिया पैरेनियल फ्लावर है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। रेड एंड पिंक शेड के जो फ्रीसिया है, उसकी वैरायटी जो है वो मोस्ट सेंटेड स्पीशीज में से आती है वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स की। इसके अलावा ये वाइट, ऑरेंज और पर्पल शेड में भी अवेलेबल है। गर्बेरा ट्रॉपिकल फ्लावर्स है जो कि रेनबो शेड्स में आते हैं, जैसे कि पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज और वाइट। ये मोस्टली कलरफुल डेजीज के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल डेजी का लुक है, बस ये कलरफुल होते हैं। इसके बाद आयरस का मतलब होता है रेनबो। ये ग्रीक की रॉयल फैमिलीज का फेवरेट फ्लावर्स है और ये ब्लू, पर्पल, वाइट एंड येलो शेड्स में आता है। मैग्नोलिया जो है वो बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है और ये पिंक, वाइट, पर्पल और येलो शेड में आता है। ऑर्किड जो है ये बोट ऑर्किड भी कहलाता है। बोट शेप के फ्लावर होते हैं इसके, इसलिए ये बोट शेप फ्लावर कहलाता है। भूटान में इसकी स्पाइस भी बनाई जाती हैं, स्पाइस की तरह यूज होता है। इसकी 52 वैरायटीज हैं। इसके शेड्स जो हैं वो येलो, पिंक, ऑरेंज, वाइट और क्रीम है। इसके अलावा आप सनफ्लावर भी लगा सकते हैं और रोजेज भी लगा सकते हैं, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही बहुत कॉमन और सुंदर प्लांट हैं। विंटर फ्लावर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।